वैष्णव सिद्धांत माला ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर विरचित। श्री कृष्ण चैतन्य दशमाध स्तनवर श्री गौड़ीय आचार्य के श्री ओम विष्णुपाद श्री श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुग्रहित त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा अनुदित एवं संपादित। प्रस्तावना। आचार्य केशरी जगद्गुरु मदीय परम आराध्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी चरण की मनोअभीष्ट सेवा स्वरूप भुवन मंगलावतार ओम विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्ति विनोद कृत बंगला भाषा में लिखित वैष्णव सिद्धांत माला नामक प्रबंध का हिंदी संस्करण श्रद्धालु पाठकों के निकट उपस्थित करते हुए अपार आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद कलयुग पावन अवतारी श्री शचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकरों में से अन्यतम हैं। षट गोस्वामियों श्री कृष्णदास कविराज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण आदि श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरित प्रचारित विमल वैष्णव धर्म तथा उनके सत सिद्धांत जब लुप्त प्राय हो गए उस समय श्री गौर सुंदर के प्रिय परिकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जगती तल में आविर्भूत होकर संस्कृत बंगला हिंदी उड़िया और अंग्रेजी भाषाओं में सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर श्री गौड़ीय वैष्णव साहित्य भंडार को जिस प्रकार से सुसमृद्ध किया है उससे ये श्री गौड़ीय वैष्णव जगत में सप्तम गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत सागर से श्री दशमूल तत्व का नव आविष्कार करके वैष्णव जगत का अपार कल्याण किया है। ये दशमूल तत्व अनादि भव्याधि की अव्यर्थ औषधि तथा पथ्य स्वरूप है। इसमें चिद वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्वात्मक श्रीमन महाप्रभु के सारे मूल सिद्धांतों का माला के रूप में ग्रंथन किया है। श्री गौड़ीय वेदांत आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने श्री ब्रह्म सूत्र के गोविंद भाष्य की रचना करते समय पूर्व गुरु श्रीमन मध्वाचार्य के प्रतिपाद्य दर्शन का सार मर्म प्रमेय रत्नावली ग्रंथ में संक्षेप में लिपिबद्ध किया है। उसमें स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित नौ प्रमेय तत्व का संधान पाया जाता है। श्री मध्वः प्राह विष्णुम परतमम अखिल आमनाय वेद्यंच विश्वम सत्यम भेदंच जीवान हरिचरण जुषस्तारतम्यंच तेषाम मोक्षम विष्णव अंग्रिलाभम तद अमल भजनम तस्य हेतुम प्रमाणम प्रत्यक्ष आदित्रयंच तेति उपदिशति हरि कृष्ण चैतन्य चंद्रः। श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि एक, विष्णु ही परम तत्व हैं। दो, वे ही निखिल वेदों के परम प्रतिपाद्य तत्व हैं। तीन, विश्व सत्य है। चार, जीव विष्णु से भिन्न है। पांच, जीव भगवान के नित्य दास हैं। छह, जीवों में बद्ध और मुक्त अवस्था के भेद से तारतम्य है। सात, भगवत प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। आठ, भगवान का भजन शुद्धा भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। और नौ, प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द अर्थात वेद ये तीन प्रमाण हैं। श्रीमन मध्वाचार्य के इन नौ प्रमेय तत्वों का ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया है। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने वैष्णव सिद्धांत माला नामक इस पुस्तिका में उक्त नौ प्रकार के प्रमेय तत्वों का सरल सहज तथा बोधगम्य भाषा में संक्षेप में विवेचन किया है। साथ ही उन्होंने दूसरे प्रबंध में शुद्ध हरिनाम नामाभास और नाम अपराध के संबंध में अत्यंत हृदयग्राही
तथा सुसिद्धांतपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है, जो भक्ति साधकों के लिए परम उपादेय तथ्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका का श्रद्धालु पाठकों को विशेषतः शुद्धा भक्ति साधकों के लिए कंठहार स्वरूप होगी। श्री केशव जी गौड़िये मठ, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्री श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण। वैष्णव सिद्धांत माला। 9 प्रमेय सिद्धांत। पहला अध्याय। प्रश्न: परम आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है? उत्तर: उनकी आज्ञा यह है कि श्रीमन मध्वाचार्य ने हम लोगों को गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त जिन 9 प्रकार के तत्वों का उपदेश दिया है, हमें उनका विशेष सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। प्रश्न: गुरु परंपरा किसे कहते हैं? उत्तर: समस्त गुरुओं के आदि गुरु हैं भगवान। उन्होंने कृपा करके आदि कवि श्री ब्रह्मा जी को भगवत तत्व का उपदेश किया। श्री ब्रह्मा ने श्री नारद, नारद से श्री व्यास और व्यास से श्री मध्वाचार्य को क्रमशः उस तत्व की शिक्षा मिली थी। इस प्रकार गुरु शिष्य के क्रम अनुसार जो उपदेश प्राप्त है, उसी का नाम है गुरु परंपरा प्राप्त उपदेश। प्रश्न: श्री मध्वाचार्य ने जिन 9 तत्वों के उपदेश दिए हैं, वे क्या हैं? उत्तर: ये 9 तत्व इस प्रकार हैं। पहला, भगवान ही एकमात्र परम तत्व हैं। 2, वे ही निखिल वेदों के परम प्रतिपाद्य विषय हैं। 3, विश्व सत्य है। 4, भेद सत्य है। भगवान और जीव में, जीव और जीव में, जीव और जड़ में, जड़ और जड़ में, जड़ और भगवान में, ये 5 प्रकार के भेद हैं। 5, जीव भगवान का नित्य दास है। 6, जीवों में मुक्त और बद्ध आदि अवस्था भेद से तारतम्य है। 7, भगवत प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। 8, भगवान का भजन भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। 9, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण हैं। दूसरा अध्याय। भगवान ही एकमात्र परम तत्व हैं। प्रश्न: भगवान कौन हैं? उत्तर: जो अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा जीव और जड़ की सृष्टि करके उनमें ईश्वर स्वरूप से अनुप्रविष्ट हैं, तथा जो ब्रह्म रूप में उन सबसे ऊपर चिंता से अतीत तत्व हैं, और जो पराशक्ति द्वारा प्रकाशित सच्चिदानंद स्वरूप में जीवों की भक्ति वृत्ति के विषयीभूत हैं, उनका नाम भगवान है। प्रश्न: भगवान की शक्ति कैसी होती है? उत्तर: हम लोग भगवान की शक्ति का यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की शक्ति असीम है, किंतु हम लोग ससीम हैं, इसलिए उनकी शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। हमारे लिए जो अत्यंत असंभव है, भगवान की शक्ति के लिए वह अनायास ही संभव है। उस अघटन घटन पटीयसी शक्ति के द्वारा समस्त विपरीत धर्म भी एक ही साथ एक ही समय में प्रकाशित होते हैं। प्रश्न: क्या भगवान शक्ति के अधीन है? उत्तर: भगवान एक पृथक वस्तु तथा शक्ति उनसे पृथक एक दूसरी वस्तु है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अभिन्न होता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। प्रश्न: यदि भगवान ही एकमात्र परम तत्व हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण शक्ति का उपदेश क्यों किया है? उत्तर: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री अर्थात रूप, ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान के नित्य गुण हैं। इनमें से किसी गुण के अधिक प्रकाश और किसी गुण के अल्प प्रकाश के अनुसार भगवत स्वरूप का प्रकाश भेद होता है।
जहाँ पर जिस स्वरूप में ऐश्वर्य भाव प्रबल रूप से प्रकाशित होता है उस स्वरूप को परम व्योमनाथ नारायण कहा जाता है, और जिस स्वरूप में माधुर्य भाव प्रधान होता है उस स्वरूप को वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण कहा जाता है। अतएव श्री कृष्ण ही भगवत तत्व के सर्वोत्तम प्रकाश हैं। प्रश्न, भगवान के स्वरूप कितने हैं? उत्तर, केवल एक ही है। वे चिन्मय, परम सुंदर, परम आनंदमय, सर्वाकर्षक, लीलामय और विशुद्ध प्रेम गम्य होता है। जीवों के स्वभाव भेद से उस एक ही नित्य स्वरूप के अनंत प्रकार के प्रकाश भेद हैं, किंतु भिन्न भिन्न प्रकृति वाले जीव उन प्रकाश भेदों को पृथक पृथक एक एक स्वरूप मान लेते हैं। श्री कृष्ण स्वरूप ही नित्यानंद स्वरूप है। प्रश्न, श्री कृष्ण लीला क्या है? उत्तर, चित जगत के परम रमणीय विभाग का नाम श्री वृंदावन है। वहां पर सच्चिदानंद श्री कृष्ण नित्य लीला के संपादक रूप श्री श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप में नित्य विराजमान हैं। जीव का आनंद स्वरूप प्रकाशित होने पर वे अप्राकृत वृंदावन में परम आनंद स्वरूपिणी श्रीमती राधिका जी की सहचरी के रूप में नित्य कृष्ण लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करता है। उस लीला में भय और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। अजस्त्र चिदानंद ही उस लीला का एकमात्र उपकरण है। प्रश्न, कृष्ण लीला की प्राप्ति में क्या क्या बाधाएं हैं? उत्तर, दो बाधाएं हैं, जड़ बुद्धि और जड़ चिंता अतीत निर्विशेष बुद्धि। प्रश्न, जड़ बुद्धि का तात्पर्य क्या है? उत्तर, जड़िए देश, जड़िए काल, जड़िए द्रव्य, जड़िए आशा, जड़िए चिंता और जड़िए कर्म, ये सब अपने अपने प्रभाव से जिस बुद्धि को संकुचित किए होते हैं उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। जड़ बुद्धि से आप प्राकृत श्री वृंदावन धाम जड़ भूमि जैसा दिखलाई पड़ता है। काल, भूत, भविष्य और वर्तमान तीन भागों में विभक्त दिखता है। नश्वर द्रव्य ही एकमात्र द्रव्य प्रतीत होते हैं। जड़ बुद्धि स्वर्ग आदि अनित्य सुखों की ही आशा करती है। वह जड़ चिंता के अतिरिक्त कोई दूसरी अर्थात अप्राकृत चिंता नहीं कर सकती। सभ्यता, नीति, शिल्प, विज्ञान और सांसारिक उन्नति आदि नश्वर कर्मों को ही कर्तव्य मानती है। प्रश्न, निर्विशेष बुद्धि किसे कहते हैं? उत्तर, जिस धर्म के द्वारा जड़ जगत के सारे द्रव्य परस्पर पृथक पृथक हैं उस धर्म को विशेष कहते हैं। जड़ चिंता को त्याग करने के साथ साथ जो उक्त विशेष का भी परित्याग करते हैं उनकी बुद्धि निर्विशेष हो जाती है। ऐसे लोग वस्तु भेद नहीं देख पाते हैं। अंत में वे अपने को निर्वाण प्राप्त अथवा ब्रह्म में लय प्राप्त हुआ समझते हैं। उस अवस्था में आनंद नहीं होता। चित सुख का अभाव होने से प्रेम का भी लोप हो जाता है। कृष्ण लीला जड़ातीत होने पर भी निर्विशेष नहीं बल्कि सविशेष होती है। प्रश्न, यदि कृष्ण लीला जड़ से अतीत है तब द्वापर के अंत में वे कैसे दिखाई दी? उत्तर, कृष्ण लीला जड़ इंद्रियों से अगोचर है, किंतु श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति के प्रभाव से जड़ातीत लीला जड़ जगत में प्रकट होती है। जड़ जगत में प्रकट होने पर भी वे जड़ मिश्र अथवा जड़ धर्म के अंतर्गत नहीं होती। प्रकट और अप्रकट दोनों ही अवस्थाओं में कृष्ण लीला सर्वदा विशुद्ध चिन्मय होती है। श्री कृष्ण लीला शुद्ध वैकुंठगत श्री वृंदावन की लीला है। ऐसा होने पर भी कृष्ण की अचिंत शक्ति और अपार करुणा से वह प्रपंच में अथवा जीवों के विशुद्ध हृदय में आविर्भूत होती है, किंतु संसार में प्रकटित होने पर जड़ बुद्धि वाले मनुष्य उस पूर्ण चिन्मय कृष्ण लीला का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं कर पाते, बल्कि उसे एक जड़ीय कार्य विशेष समझकर तर्क और युक्ति के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं। फल यह होता है कि वे वंचित होते हैं।
तथा उसमें अनेकों दोष देखते हैं। जो व्यक्ति जगाई मधाई की तरह जड़ बुद्धि से छुटकारा पा लेते हैं, वे इस तत्व को यथार्थ रूप में सर्वथा निर्दोष जानकर उसमें अनुरक्त हो पड़ते हैं। श्री कृष्ण तत्व को समझे बिना रस की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न: श्री कृष्ण तत्व का उपदेश तो एकमात्र वैष्णव धर्म में ही पाया जाता है, फिर दूसरे धर्म वालों की गति क्या होगी? उत्तर: दूसरे धर्मों में जो ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म की उपासनाएं होती हैं, वे सब कृष्ण तत्व को उद्देश्य करती हैं। जीव क्रमशः उन्नति करते करते अंत में कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। खंड धर्म समूह संपूर्णता को प्राप्त होने पर अंत में श्री कृष्ण भक्ति हो पड़ते हैं। श्री कृष्ण तत्व में पारंगत बुद्धि ही जीव का परम ज्ञान है। तीसरा अध्याय: वे अखिल वेद वेद्य हैं। प्रश्न: भगवत तत्व कैसे जाना जा सकता है? उत्तर: जीव के स्वतः सिद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। प्रश्न: स्वतः सिद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर: ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्वतः सिद्ध ज्ञान और इंद्रियों द्वारा अनुभूत ज्ञान। स्वतः सिद्ध ज्ञान विशुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव का सत्तागत तत्व है, जो समस्त चिद वस्तुओं की तरह नित्य होता है। उसी को वेद अथवा आमनाएं कहते हैं। बद्ध जीव के साथ वही सिद्ध ज्ञान अर्थात वेद ऋग साम यजु और अथर्व के रूप में आविर्भूत हुआ है। इन्हीं को स्वतः सिद्ध ज्ञान कहते हैं। साधारण लोग अपने इंद्रियों की सहायता से जो भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान संग्रह करते हैं, उसे इंद्रिय परतंत्र ज्ञान कहते हैं। प्रश्न: इंद्रिय परतंत्र ज्ञान से भगवत तत्व को जाना जा सकता है या नहीं? उत्तर: नहीं, भगवान समस्त जड़ इंद्रियों से अतीत होते हैं, इसलिए उनको अधोक्षज कहा जाता है। इंद्रियां तथा इंद्रिय पुष्ट मनोगत युक्तियां भगवत तत्व से अत्यंत दूर रहती हैं। प्रश्न: भगवान यदि स्वतः सिद्ध ज्ञान से ही पाए जाते हैं, तब तो हमारे अंदर जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है, उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर वेद शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता ही क्या है? उत्तर: स्वतः सिद्ध ज्ञान रूप वेद समस्त जीवों की शुद्ध सत्ता में वर्तमान है, यह ठीक है, किंतु बद्ध सत्ता के तारतम्य अनुसार वह वेद किसी के अंदर स्वयं प्रकाशित हैं और किसी किसी के अंदर आच्छादित रूप में वर्तमान हैं। स्वतः सिद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए लिपिबद्ध वेद समूह अवतीर्ण हुए हैं। प्रश्न: सुना है कि भगवान भक्ति ग्राह्य हैं, यदि ये ठीक है तो उनको ज्ञान ग्राह्य कैसे कह सकते हैं? उत्तर: स्वतः सिद्ध ज्ञान का नाम ही भक्ति है। भक्ति और स्वतः सिद्ध ज्ञान पृथक नहीं है। परतत्व के संवेदन अर्थात अनुभव को कोई ज्ञान कहते हैं और कोई भक्ति कहते हैं। प्रश्न: तब भक्ति शास्त्रों में ज्ञान को इतना है क्यों माना गया है? उत्तर: भक्ति शास्त्रों में स्वतः सिद्ध ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि स्वतः सिद्ध ज्ञान के अतिरिक्त जीव के अकल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल इंद्रिय परतंत्र ज्ञान और निर्विशेष ज्ञान से जीव का यथार्थ श्रेय नहीं होता, इसलिए इन दोनों का तिरस्कार लक्ष्य किया जाता है। प्रश्न: वेद आदि निखिल शास्त्रों में कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का उल्लेख है, इनमें से किसके द्वारा भगवत तत्व जाना जाता है? उत्तर: संपूर्ण वेद वाणियों का समन्वय करने पर यह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेगा कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। वैदिक कर्म समूह भी अंत में भगवान को ही लक्ष्य करते हैं। ज्ञान भी परिशुद्ध अवस्था में विषय और निर्विशेष उभयात्मक द्वंद्व को छोड़कर अंत में भगवान को ही लक्ष्य करता है। भक्ति स्वभावतः भगवान का अनुशीलन करती है, अतएव भगवान ही
अखिल वेद वेद्य हैं। चौथा अध्याय, विश्व सत्य है। प्रश्न, कोई कोई कहते हैं ये जगत मिथ्या है और केवल माया निर्मित है, इसमें यथार्थ बात क्या है? उत्तर, ये जगत सत्य है किंतु नश्वर है। सत्य और नित्य, इन दोनों विशेषणों के अर्थ अलग अलग हैं। जगत नित्य नहीं है, अर्थात ईश्वर की इच्छा से वे अभी नष्ट हो सकता है। जगत वास्तव में है, मिथ्या नहीं है। शास्त्र में कहीं कहीं जगत को मिथ्या कहा गया है, किंतु वहां पर मिथ्या शब्द का तात्पर्य नश्वर से है। प्रश्न, माया क्या है? उत्तर, भगवान की एकमात्र पराशक्ति के अनंत प्रकार के विक्रमों में से हमारे निकट तीन विक्रमों का परिचय पाया जाता है। वे तीन विक्रम हैं, चित विक्रम, जीव विक्रम और माया विक्रम। चित विक्रम से भगवत तत्व का प्रकाश और उसकी स्फूर्ति होती है। जीव विक्रम से अणु चैतन्य स्वरूप अनंत जीव प्रकटित हुए हैं, और माया विक्रम से जो कुछ उत्पन्न होता है नश्वर होता है, किंतु जब पैदा हुआ है तब वह सब कुछ सत्य है। पांचवा अध्याय, भेद सत्य है। प्रश्न, जीव और भगवान जब दोनों ही चैतन्य पद वाच्य हैं, तब उसका भेद क्या काल्पनिक है? उत्तर, नहीं, भगवान विभू चैतन्य हैं और जीव अणु चैतन्य हैं। उनका परस्पर जो भेद है वे काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। भगवान अपनी माया शक्ति के ईश्वर हैं, जीव माया के अधीन है। प्रश्न, भेद कितने प्रकार के हैं? उत्तर, दो प्रकार के, व्यवहारिक और तात्विक। प्रश्न, व्यवहारिक भेद कैसा होता है? उत्तर, घट और पट में व्यवहारिक भेद है, परंतु दोनों का कारण मिट्टी है। इस अवस्था में दोनों में भेद नहीं है, इस भेद का नाम व्यवहारिक भेद है। प्रश्न, तात्विक भेद किसे कहते हैं? उत्तर, जब दो पदार्थों में परस्पर कार्य और कारण दोनों ही अवस्थाओं में भेद होता है, तब भेद को तात्विक भेद कहते हैं। प्रश्न, जीव और ईश्वर का भेद व्यवहारिक होता है अथवा तात्विक? उत्तर, तात्विक। प्रश्न, कैसे? उत्तर, जीव किसी भी अवस्था में भगवान नहीं हो सकता है। प्रश्न, तब तत्वमसी आदि महावाक्यों का अर्थ क्या होगा? उत्तर, इसके द्वारा श्वेत केतु को उपदेश दिया गया है कि तुम जीव हो, तुम जड़ जातीय वस्तु नहीं बल्कि चैतन्य जातीय वस्तु हो। उपरोक्त तत्वमसी से जीव को विभू चैतन्य अर्थात ईश्वर मानना भूल है। प्रश्न, तो जीव और ब्रह्म संबंधी अभेद सूचक वाक्यों का व्यवहार क्या अनुचित है? उत्तर, जीव की दृष्टि से विचार करने पर भेद नित्य है, किंतु ब्रह्म की दृष्टि से अभेद नित्य है। अतएव भेद और अभेद दोनों एक ही समय नित्य और सत्य हैं। प्रश्न, इस प्रकार का परस्पर विरुद्ध सिद्धांत कैसे माना जा सकता है? उत्तर, भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से समस्त विरुद्ध तत्वों का सामंजस्य संभव होता है। अल्प बुद्धि वाले जीव ऐसा होना असंभव मानते हैं। प्रश्न, फिर अभेदवाद का तिरस्कार क्यों सुना जाता है? उत्तर, अभेदवादी केवल अभेद को ही नित्य मानते हैं, भेद को वे अनित्य मानते हैं। श्रीमध्वाचार्य ने भेद को नित्य प्रमाणित किया है, अतः अचिंत भेदाभेद में कोई दोष नहीं है। दोष है केवल भेदवादी अथवा केवल अभेदवादी में, क्योंकि इनमें से एक भेदवाद का पक्ष लेकर अभेद को अस्वीकार करता है और दूसरा अभेदवाद का पक्ष लेकर भेद को नित्य नहीं मानता। प्रश्न, केवल अभेदवाद किसका मत है? उत्तर, निर्विशेषवादी ही केवल अभेद मानते हैं,
सविशेषवादी केवल अभेद को स्वीकार नहीं करते। प्रश्न, सविशेषवाद किसका मत है? उत्तर, सविशेषवाद सभी वैष्णव संप्रदायों का मत है। प्रश्न, वैष्णव संप्रदाय कितने हैं? उत्तर, चार हैं, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत और शुद्ध अद्वैत। प्रश्न, इनके मतों में परस्पर क्या भेद है? उत्तर, इनमें कोई वास्तव भेद नहीं है, ये सभी सविशेषवादी हैं, केवल अभेदवाद को स्वीकार नहीं करते। ये सभी भगवत परायण हैं तथा भगवत शक्ति स्वीकार करते हैं। द्वैतवाद में भेद की नित्यता दिखलाई गई है। इनके मत से केवल अद्वैतवाद नितांत अंध मत है। ये मत मध्वाचार्य का है। विशिष्ट अद्वैतवादी का कहना है, विशेष वस्तु विशेषण से युक्त है, अतएव वे केवल अद्वैत नहीं है। ये मत रामानुजाचार्य का है। द्वैत अद्वैत मत ने केवल अद्वैतवाद का अत्याधिक स्पष्ट रूप में खंडन किया है। यह मत निम्बादित्य आचार्य का है। शुद्ध अद्वैत मत ने भी केवल अद्वैत का तिरस्कार करके तत्व वस्तु को शुद्ध विशेषण से युक्त बतलाकर अपने मत को प्रमाण्य ठहराया है। भली भांति विचार करने पर उक्त चारों मतों में कोई भेद नहीं दिखाई देता है। प्रश्न, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल मध्व मत को ही क्यों ग्रहण किया? उत्तर, मध्व मत का विशेष गुण यह है कि इसमें केवल अद्वैतवाद रूप भ्रम का सबसे अधिक स्पष्ट खंडन है। इस मत का आश्रय करने से अभेदवाद रूप पीड़ा बहुत ही दूर रहती है। दुर्बल मनुष्य के निश्चित मंगल के लिए ही श्री महाप्रभु ने इस मत को ग्रहण किया था, किंतु इससे अन्य तीनों मतों को किसी प्रकार से लघु अथवा हे नहीं समझना चाहिए। सविशेषवाद जिस किसी भी मत में चाहे किसी भी रूप में क्यों ना पाया जाए, इससे जीव का नित्य कल्याण अवश्य ही साधित होता है। छठा अध्याय, जीव श्री हरि का दास है। प्रश्न, जीव का नित्य धर्म क्या है? उत्तर, कृष्णदास ही जीव का नित्य धर्म है। प्रश्न, जीव का विधर्म क्या है? उत्तर, अभेदवाद स्वीकार कर निर्वाण का अनुसंधान करना अथवा जड़गत सुख या सामर्थ्य का अन्वेषण करना ही जीव का विधर्म है। प्रश्न, इन्हें विधर्म क्यों कहा जाता है? उत्तर, जीव चिन्मय है, चिन्मय वस्तु मात्र का धर्म है आनंद या प्रीति। निर्विशेषवाद में आनंद नहीं है, केवल चरम विनाश ही निर्विशेषवाद का मूल प्रयोजन है। जड़ीय विशेषवाद में जीव के चित धर्मगत विशेष की हानि होती है। निर्विशेषवाद और जड़वाद दोनों ही जीव के विधर्म हैं। प्रश्न, जड़ीय सुख का अन्वेषण कौन करते हैं? उत्तर, इंद्रिय सुखों में आसक्त अर्थात कर्म जड़ पुरुष ही कर्म मार्ग द्वारा स्वर्ग आदि जड़ीय सुखों का अन्वेषण करते हैं। प्रश्न, जड़ीय सामर्थ्य का अनुसंधान कौन करते हैं? उत्तर, अष्टांग योग मार्ग से सिद्ध हुए योगी जन तथा षडंग योगी जन, ये दोनों ही विभूति के प्रभाव से जड़ सामर्थ्य का अनुसंधान करते हैं। प्रश्न, जड़ जगत का सुख या निर्वाण तुच्छ होने पर जीव का बचा ही क्या रहता है? उत्तर, जीव का निजस्व सुख बचा रहता है। पूर्व कथित दोनों प्रकार के सुख ही सोपाधिक हैं, निज सुखानुभूति ही निरोपाधिक है। प्रश्न, निज सुखानुभूति किसे कहते हैं? उत्तर, जड़ संबंध रहित जीव का शुद्ध चैतन्यगत कृष्ण अनुशीलन रूप सुख ही निज सुख है। सातवां अध्याय, जीव का तारतम्य। प्रश्न, सब जीव क्या एक ही प्रकार के हैं अथवा उनमें कोई तारतम्य है?
उत्तर, तारतम्य है। प्रश्न, कितने प्रकार के तारतम्य हैं? उत्तर, दो प्रकार के हैं, स्वरूपगत तारतम्य और उपाधिगत तारतम्य। प्रश्न, जीव की उपाधि क्या है? उत्तर, कृष्ण विमुक्ता के कारण माया जीव स्वरूप को ढक लेती है, यह माया ही जीव की उपाधि है। प्रश्न, सभी जीव निरुपाधिक क्यों नहीं हुए? उत्तर, जिन्होंने भगवत दास्य के अतिरिक्त कुछ भी अंगीकार नहीं किया वे अपने स्वरूपगत निरुपाधिकत्व का परित्याग नहीं करते, उनका कृष्ण सान्मुख्य नित्य है, और जिन्होंने विषय भोगों को स्वार्थ मानकर कृष्ण विमुक्ता स्वीकार की वे माया निर्मित इस विश्व कारागार में बंद हो गए। प्रश्न, कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं, यदि वे उस प्रकार की दुर्बुद्धि से जीव की रक्षा कर देते तो अच्छा था, उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? उत्तर, इस विषय में यदि जीव को स्वतंत्रता नहीं रहती तो जीव का स्वरूप एक प्रकार से जड़ वस्तु के समान होता, उससे चित वस्तु का जो स्वतंत्र आनंद है उसे प्राप्त नहीं करता। प्रश्न, जीव का स्वरूप क्या है? उत्तर, जीव चित वस्तु है और आनंद ही उसका धर्म है। प्रश्न, स्वरूपगत तारतम्य कितने प्रकार के हैं? उत्तर, पांच प्रकार के हैं। चित जगत में पांच प्रकार के नित्य रस हैं, उन रसों में स्थित जीवों में स्वरूपगत तारतम्य है। प्रश्न, पांच प्रकार के रस कौन कौन से हैं? उत्तर, पांच प्रकार के रस यह हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। प्रश्न, इन पांचों की पृथक पृथक रूप में व्याख्या करें। उत्तर, पहला, कृष्ण के प्रति संबंध रहित अनुरक्ति का नाम शांत रति है। दूसरा, कृष्ण के प्रति संबंध युक्त किंतु संभ्रम युक्त अनुरक्ति का नाम दास्य है। तीसरा, संबंध युक्त संभ्रमहीन अथच विश्रम्ब युक्त कृष्ण अनुरक्ति का नाम सख्य रति है। चौथा, संबंध युक्त स्नेहपूर्ण कृष्ण अनुरक्ति का नाम वात्सल्य रति है। पांचवा, सौंदर्य युक्त रागमय अवस्था को प्राप्त रति का नाम श्रृंगार रति है। प्रश्न, रति और रस में क्या अंतर है? उत्तर, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, इन चार सामग्रियों के साथ मिलकर जब रति पुष्ट होती है तब नित्य सिद्ध रस का उदय होता है। रस परमानंद स्वरूप है। प्रश्न, उपाधिगत तारतम्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, तीन प्रकार के होते हैं। पहला, आच्छादित चेतन जीव जैसे वृक्ष आदि। दूसरा, संकुचित चेतन जीव जैसे पशु पक्षी। तीसरा, मुकुलित चेतन जीव जैसे भक्ति शून्य मनुष्य। प्रश्न, मुक्त और बद्ध के विचार से जीव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, तीन प्रकार के हैं, नित्य मुक्त अर्थात जड़ से परे, दूसरा बद्ध मुक्त अर्थात जड़ में है परंतु उसमें आबद्ध नहीं है, तीसरा नित्य बद्ध अर्थात जड़ में आबद्ध जीव। प्रश्न, इनमें से नित्य बद्ध कौन है? उत्तर, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन और मुकुलित चेतन, ये तीनों प्रकार के जीव नित्य बद्ध हैं। प्रश्न, बद्ध मुक्त जीव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, दो प्रकार के हैं। पहला, विकसित चेतन अर्थात साधन भक्त, और दूसरा पूर्ण विकसित चेतन अर्थात भाव भक्त। प्रश्न, नित्य बद्ध और बद्ध मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? उत्तर, इस मायिक विश्व में रहते हैं। प्रश्न, नित्य मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? उत्तर, चित जगत में अर्थात वैकुंठ में। प्रश्न, मुकुलित चेतन जीव कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर अनेक प्रकार के होते हैं। तत्व लाघव प्रक्रिया द्वारा अर्थात मोटे तौर पर उन्हें 6 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। यह 6 विभाग इस प्रकार हैं। पहला, असभ्य मूर्ख मानव जैसे पुलिंद, शबर आदि। दूसरा, सभ्यता, जड़ अभिमान और शिल्प विज्ञान आदि से संपन्न मानव जिनमें नीति और ईश्वर विश्वास नहीं होता, जैसे मलेच्छगण, डोम आदि। तीसरा, निरीश्वर किंतु सुंदर नीति परायण मानव, जैसे बौद्ध आदि। चौथा, कल्पित ईश्वरवाद युक्त नीति परायण मानव, जैसे कर्मवादी। पांचवा, ईश्वर को स्वीकार करके भी भक्ति रहित मानव। और छठा, निर्विशेषवाद को ग्रहण करने वाले मानव, इनको ज्ञान कांडी कहते हैं। प्रश्न, इनमें किस प्रकार का तारतम्य वर्तमान है? उत्तर, आच्छादित चेतन से लेकर मुकुलित चेतन तक के जीवों का तारतम्य विचार भक्ति तत्व की उपयोगिता के तारतम्य के अनुसार होता है। विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन का तारतम्य स्पष्ट ही है। आठवां अध्याय, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति ही मोक्ष है। प्रश्न, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, लोग साधारणतः सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज को मोक्ष कहते हैं। उनमें सायुज निर्वाण और एकत्व रूप मोक्ष चिंता निर्विशेषवाद के अंतर्गत एक भ्रम मात्र है। वैसा मोक्ष जीवों के लिए चिंतनीय नहीं है। ब्रह्म की तरफ से विवेचन करने पर वैसी मुक्ति किसी प्रकार से सिद्ध तो होती है, किंतु जीवों के लिए उपयुक्त नहीं होती। जब युगपत भेदाभेद ही सत्य प्रमाणित हो चुका है, तब भेद नाशक केवल अभेदवाद स्थाई नहीं हो सकता है। प्रश्न, फिर यथार्थ मोक्ष किसको कहा जाए? उत्तर, विशुद्ध रूप में श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय पाना ही मोक्ष है। प्रश्न, श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लाभ को क्यों मोक्ष माने? उत्तर, श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्ति और जड़ संबंध से छुटकारा एक ही साथ होता है। छुटकारा कार्य थोड़ा होने पर ही फल प्रदान करता हुआ पर्यवसित हो जाता है। श्री कृष्ण चरणामृत पान करने का आनंद ही नित्य फल है। अतएव मोक्ष और किसे कहें? प्रश्न, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रदीप का जलना और अंधकार का दूर होना दोनों कार्य एक ही साथ होते हैं। अंधकार का नाश होना मोक्ष स्थानीय तत्व है और प्रदीप का आलोक कृष्ण चरणामृत स्थानीय तत्व है। प्रदीप का आलोक नित्य है और अंधकार का नाश कार्य नित्य नहीं है, वे किसी एक समय होता है। आलोक प्रकाश ही नित्य तत्व है। नवा अध्याय, विमल कृष्ण भजन ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। प्रश्न, श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति रूप मोक्ष कैसे पाया जा सकता है? उत्तर, विमल कृष्ण भजन द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति रूप मोक्ष पाया जा सकता है। प्रश्न, विमल कृष्ण भजन किसे कहते हैं? उत्तर, मायाबद्ध जीव कृष्ण सामुख्य लाभ करने के लिए जो मल रहित अर्थात विशुद्ध कृष्ण भजन करता है, उसे विमल कृष्ण भजन कहते हैं। प्रश्न, कृष्ण भजन के मल क्या क्या हैं? उत्तर, भोग की वासना, निर्विशेष गति लाभ करने की वासना और सिद्धि की वासना, ये तीनों भजन के मल हैं। प्रश्न, भोग वासना किसे कहते हैं? उत्तर, ऐहिक इंद्रिय सुख भोग, पार्थिक स्वर्ग आदिक भोग और शुष्क वैराग्यगत शांति सुख, ये तीन प्रकार की भोग वासना है। प्रश्न, इंद्रियों के विषय का त्याग करने से परलोक में सुखजनक धर्म का त्याग करने से
तथा वैराग्य का विसर्जन देने से शरीर की रक्षा कैसे होगी, जगत का कल्याण किस प्रकार साधित होगा और विषय आसक्ति जन्य कष्ट दूर कैसे होगा? उत्तर: इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करना होगा, जगत कल्याणकारी धर्म का त्याग नहीं करना होगा तथा शांतिजनक वैराग्य का भी अनादर नहीं करना होगा, बल्कि उन विषयों में भोग की वासना और आसक्ति का त्याग करना होगा। प्रश्न: ये कैसे संभव है? उत्तर: जब तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए तब तक समस्त प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। इन कर्मों को इस प्रकार से करो कि उनसे तुम्हारी कृष्ण भक्ति के साक्षात अनुशीलन में सहायता मिले। उन्हें इस प्रकार से मत करो कि वे तुम्हारे कृष्ण अनुशीलन में बाधक हों। जो कुछ भी अवसर मिले उसमें हर समय साक्षात अनुशीलन के कार्यों द्वारा भक्ति वृत्ति को पुष्ट करते रहो। ऐसा होने से कर्म, धर्म और वैराग्य एक साथ मिलकर तुम्हारी परम उन्नति के साधक होंगे। प्रश्न: जब समस्त जड़ीय कर्म ही चित तत्व से विलक्षण होते हैं तब इनके द्वारा चित स्वभाव की पुष्टि कैसे संभव है? उत्तर: समस्त विषयों में, समस्त ज्ञानों में तथा समस्त विषय संबंधों में कृष्ण भक्ति के भाव को युक्त करो। श्री विग्रह सेवा में समस्त इंद्रियों को लगा दो। कृष्ण प्रसाद सेवन, कृष्ण का गुणानुकीर्तन, श्री कृष्ण चरणों में अर्पित तुलसी और चंदन सूंघना, श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन, कृष्ण संबंधी वस्तु या व्यक्ति का स्पर्श और कृष्ण दर्शन आदि क्रियाओं के द्वारा अपनी कृष्ण अनुरक्ति को उद्दीप्त करो। धीरे धीरे तुम्हारे समस्त कर्म कृष्ण को अर्पित होने पर वे भावोदय के पथ में बाधक न होकर सहायक हो पड़ेंगे। प्रश्न: यदि शरीर की रक्षा के लिए कुछ कर्म भी करता जाऊं और साथ ही वासनाओं के निवृत्ति भी करता रहूं तो ज्ञान समाधि द्वारा कृष्ण भक्ति उत्तम रूप में साधिक हो सकती है या नहीं? उत्तर: नहीं। चित्तगत राग इंद्रियों के विषयों से संबंधित होता है। यम, नियम और प्रत्याहार आदि के द्वारा इंद्रियों को विषयों से निवृत्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राग को जब तक जड़ विषयों से अधिक रमणीय कोई दूसरी वस्तु न दिखलाई जाए तब तक वह पूर्व विषयों को छोड़ नहीं सकता। इसलिए यदि राग के प्रवाह के आगे कोई उत्तम विषय रखा जाए तो राग उस उत्तम विषय का अवलंबन कर तत्गत हो पड़ता है और पूर्व विषय को सहज ही छोड़ देता है। अतः पहले जिस प्रणाली को बतलाया गया है वही विमल कृष्ण भजन है। प्रश्न: समल अर्थात अशुद्ध कृष्ण भजन किसे कहते हैं? उत्तर: कर्म के प्रति आग्रह, योग की चेष्टा और निर्विशेष मुक्ति की कामना से युक्त होकर जो कृष्ण भजन होता है उसे समल कृष्ण भजन कहते हैं। इसके द्वारा श्री कृष्ण चरणामृत लाभ रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न: विमल कृष्ण भजन की विधि संक्षेप में बतलाइए। उत्तर: शरीर और संसार यात्रा निर्वाह के लिए निष्पाप और न्याय संगत जो भी कार्य करो उसे कृष्ण भक्ति में सहायक गौणी भक्ति के रूप में करो। जब भी अवसर मिले कृष्ण का साक्षात अनुशीलन करो। प्रश्न: साक्षात अनुशीलन कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर: 9 प्रकार के हैं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा कृष्ण स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्य, आठवां सख्य तथा नौवां आत्मनिवेदन। प्रश्न: इन अनुशीलनों का क्या फल होता है? उत्तर: भावोदय और अंत में प्रेमोदय होता है। प्रश्न: प्रेम क्या है? उत्तर: उसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह चिन्मय रस है
अतएव आस्वादन के द्वारा अनुभव करने का प्रयत्न करो। प्रश्न, साधन काल में किन किन विषयों में सतर्क रहने की आवश्यकता है? उत्तर, विकर्म, अकर्म, कर्म जड़ता, शुष्क वैराग्य, शुष्क ज्ञान और अपराध से सतर्क रहना आवश्यक है। प्रश्न, विकर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर, विकर्म अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्रबल पाप ये हैं, द्वेष, निष्ठुरता, क्रूरता, जीव हिंसा, पर स्त्री लोभ, क्रोध, पर द्रव्य में लोभ, स्वार्थपरता, मिथ्या, अवज्ञा, गर्व, चित विभ्रम, अपवित्रता, जगत नाश कार्य, दूसरों का अपकार। प्रश्न, अकर्म कौन कौन से हैं? उत्तर, नास्तिकता, अकृतज्ञता और महत्पुरुषों की सेवा का अभाव। प्रश्न, कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, पुण्य कर्मों को कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रधान प्रधान यह हैं: परोपकार, गुरुजनों की सेवा, दान, जगत वृद्धि, सत्य, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दया, अधिकार के अनुकूल कर्म, युक्त वैराग्य, अपक्षपाती तत्व। प्रश्न, कर्म जड़ता किसे कहते हैं? उत्तर, पुण्य कर्मों के द्वारा जो जड़ीय अर्थ या सुख प्राप्त होता है उसे बहुत है मानकर चित उन्नति के प्रयत्न से विमुख होना ही कर्म जड़ता है। प्रश्न, शुष्क वैराग्य किसे कहते हैं? उत्तर, चेष्टा करके या अभ्यास के द्वारा जो वैराग्य होता है उसे शुष्क या फल्गु वैराग्य कहते हैं। भक्ति वृद्धि होने पर जो वैराग्य अपने आप स्वयं उपस्थित होता है उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। प्रश्न, शुष्क ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, जो ज्ञान चित तत्व से कोई संबंध नहीं रखता उसे शुष्क ज्ञान कहते हैं। प्रश्न, अपराध कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, दो प्रकार के, सेवा अपराध और नाम अपराध। प्रश्न, भजन विशुद्ध कैसे होता है? उत्तर, अनासक्त भाव से संसार में रहते हुए शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सत्संग में श्रवण और कीर्तन करने से भजन विशुद्ध या विमल होता है। दसवां अध्याय, शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान तीन प्रमाण हैं। प्रश्न, प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके द्वारा सत्य का निरूपण किया जाता है। प्रश्न, प्रमाण कितने हैं? उत्तर, तीन प्रकार के हैं। प्रश्न, कौन कौन? उत्तर, शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रश्न, शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर, स्वतः सिद्ध ज्ञानावतार स्वरूप अखिल वेद ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण सर्वोत्तम है क्योंकि इस प्रमाण के बिना प्रकृति से अतीत तत्व के संबंध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। प्रश्न, क्या प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ईश्वर और परलोक लक्षित नहीं होते? उत्तर, इंद्रियों द्वारा अनुभूत समस्त प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को देखकर अनुमित ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हैं। ये दोनों प्रमाण केवल सांसारिक ज्ञान ही प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न, ऐसा होने से परमार्थ तत्व के संबंध में प्रत्यक्ष और अनुमान को क्यों स्वीकार किया जाता है? उत्तर, शब्द प्रमाण द्वारा जो कुछ उपलब्ध होता है उसकी सिद्धि कार्य में प्रत्यक्ष और अनुमान कुछ सीमा तक कार्य करते हैं। इसलिए जब ये शब्द प्रमाण के अधीन रहकर कार्य करते हैं तब उन्हें प्रमाण कोटि में ग्रहण किया जाता है। द्वितीय पुष्प, हरि नाम। भव समुद्र बड़ा ही दुस्तर है, परमेश्वर की कृपा बिना इसको पार करना कठिन ही नहीं असंभव है। जीव
जड़ से श्रेष्ठ होने पर भी स्वभावता दुर्बल और पराधीन है। भगवान ही जीवों के एकमात्र रक्षक, पालक और त्राता हैं। जीव अणु चैतन्य है, अतएव वे परम चैतन्य भगवान के अधीन और सेवक है। परम चैतन्य परमेश्वर ही जीवों के आश्रय है। ये जड़ जगत माया द्वारा रचित है। इस जड़ जगत में जीवों की स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अपराधी व्यक्ति कारागार में होता है। भगवान से विमुख होने के कारण जीव माया के संसार में चक्कर काट रहे हैं। भगवत विमुख जीवों को बद्ध जीव कहते हैं, क्योंकि वे माया द्वारा बंधे हुए हैं। इसके विपरीत जो जीव भगवान के अनुगत होते हैं वे माया से मुक्त होते हैं। ऐसे जीवों को मुक्त जीव कहते हैं। इस प्रकार अवस्था भेद से अनंत जीव दो भागों में विभक्त हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव साधन द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर माया की सुदृढ़ रज्जु को तोड़ने में समर्थ होते हैं। हमारे महामहिम महर्षियों ने अनेक छानबीन के पश्चात तीन प्रकार के साधन स्थिर किए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, योग, इनको शास्त्रों में कर्मांग कहा गया है। इन विभिन्न कर्मों के भिन्न भिन्न फल भी उन शास्त्रों में कहे गए हैं। उन फलों का पृथक पृथक विचार करने पर पता चलता है कि स्वर्ग भोग, मृत्यु लोक का भोग, रोग शांति तथा उच्च कर्म करने के सुअवसर की प्राप्ति, ये ही अनेक प्रधान फल हैं। इनमें से उच्च कर्म करने के सुअवसर की प्राप्ति रूप फल को पृथक कर देने पर शेष समस्त प्रकार के फल ही माइक प्रतीत होते हैं। स्वर्ग भोग, मर्त्य सुख भोग, ऐश्वर्य आदि फल जिन्हें जीव कर्म द्वारा प्राप्त करते हैं सभी नश्वर हैं। ये सभी भगवान के कालचक्र में पड़कर विनष्ट हो जाते हैं। इन फलों के द्वारा माया का बंधन खुलना तो दूर रहे, उससे और भी अधिक रूप में कर्म वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जो माया बंधन को और भी अधिक सुदृढ़ कर देती हैं। उच्च कर्म का सुयोग रूप फल भी निरर्थक ही होता है यदि उच्च कर्म वास्तव में न किया जाए। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहते हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पाद्येद यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। वर्णाश्रम धर्म का मूल तात्पर्य यह है कि स्वभाव के अनुसार सांसारिक और शारीरिक कर्मों के विभाग द्वारा मनुष्य सहज से सहज रूप में संसार और शरीर यात्रा का निर्वाह कर सके। ऐसा होने पर हरि कथा के अनुशीलन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यदि कोई मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का उत्तम रूप से पालन तो करता है परंतु हरि कथा में उसकी रुचि नहीं होती तो उसका सारा धर्म अनुष्ठान व्यर्थ का परिश्रम ही हो जाता है। कर्म द्वारा निश्चित रूप में भव समुद्र को पार किया जा सकता, इसे मैंने संक्षेप में बतलाया। ज्ञान को भी उच्च गति प्राप्त करने में साधन बतलाया गया है। ज्ञान का फल आत्मशुद्धि है। आत्मा जड़ातीत वस्तु है, परंतु इस तत्व को भूलकर जीव जड़ाश्रित होकर कर्म मार्ग में भटक रहा है। ज्ञान चर्चा द्वारा यह जाना जाता है कि मैं जड़ नहीं चिद वस्तु हूँ। ऐसा ज्ञान स्वभावता नैष्कर्म्य कहलाता है। इसका कारण यह है कि इसमें चिद वस्तु का कुछ न कुछ ज्ञान रहने पर भी चिद वस्तु का नित्य धर्म जो चिद आस्वादन है प्रारंभ नहीं होता। इस अवस्था को प्राप्त हुए जीव आत्माराम कहलाते हैं, परंतु जब चिद आस्वादन रूप चित क्रिया प्रारंभ हो जाती है तब नैष्कर्म्य नहीं रहता। इसलिए देवऋषि नारद जी ने कहा है, नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम। अर्थात नैष्कर्म्य रूप निर्मल ज्ञान भी भगवान की भक्ति से स्निग्ध ना होने पर नितांत उपेक्षणीय होता है। श्रीमद् भागवत में और भी कहते हैं, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे
कुर्वन्त अहै तु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। परम चैतन्य हरि में एक ऐसा असाधारण गुण है जो समस्त जड़मुक्त आत्माराम जीवों को भी आकर्षण कर अपनी भक्ति में लगा देता है। अतएव कर्म उच्च कर्म का सुअवसर प्रदान कर और ज्ञान अपना नैष्कर्म्य स्वरूप परित्याग कर जब भक्ति साधन कराने में नियुक्त होते हैं, तभी कर्म और ज्ञान को साधन अंग कहा जा सकता है। वे स्वयं साधन के अंग के रूप में स्वीकृत नहीं है, इसलिए केवल भक्ति को ही साधन कहा गया है। कर्म और ज्ञान भक्ति के अधीन होने पर कहीं कहीं साधन के रूप में माने गए हैं, परंतु भक्ति तो स्वभावता ही साधन स्वरूप है। इस विषय में श्रीमद् भागवत का निर्णय स्पष्ट है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्चिता। हे उद्धव, कर्मयोग, सांख्य योग, वर्णाश्रम धर्म, वेद पाठ, तपस्या या वैराग्य मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। केवल मात्र तीव्र भक्ति ही मुझे प्रसन्न करने में समर्थ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। साधन भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। इनमें से श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये 3 प्रधान साधनांग हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, इन 4 विषयों का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण होता है। इनमें भी श्री नाम ही आदि और सर्व बीज स्वरूप है। अतएव हरि नाम ही सब प्रकार की उपासनाओं का मूल है। शास्त्रों में कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कली काल में हरि नाम के अतिरिक्त जीवों की दूसरी गति नहीं है। कलिकाल शब्द द्वारा ये समझना होगा कि सभी समयों में हरि नाम के बिना जीवों की गति नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में दूसरे दूसरे मंत्रादि साधन दुर्बल होने के कारण केवल हरि नाम का ही अवलंबन करना उचित है, क्योंकि हरि नाम सबसे बढ़कर वीरशाली है। हरि नाम के संबंध में पद्म पुराण में इस प्रकार लिखा गया है, नाम चिंतामणि कृष्णश चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्त्वान नाम नामिनो। श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, एकमेव सच्चिदानंद रसादि रूपम तत्वम द्विधाविर्भूतम इत्यर्थः। श्री कृष्ण तत्व अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका 2 रूपों में आविर्भाव होता है, नामी के रूप में श्री कृष्ण विग्रह तथा नाम के रूप में श्री कृष्ण नाम। इसका मूल तत्व यह है कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान जो पुरुष है, उनके समस्त प्रकाश ही उनकी शक्ति के प्रकाश हैं। शक्ति ही अपने आधार रूप पुरुष को दूसरे के निकट प्रकाशित करती है। शक्ति के दर्शन प्रभाव द्वारा कृष्ण रूप प्रकाशित होता है और आह्वय प्रभाव द्वारा कृष्ण नाम विज्ञापित होता है। अतः कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप, कृष्ण स्वरूप और चैतन्य रस विग्रह स्वरूप है। नाम सर्वदा पूर्ण स्वरूप है, अर्थात उनमें विभक्तियों के योग से कृष्णाय, नारणाय इत्यादि मंत्रादि निर्माण की अपेक्षा नहीं होती। कृष्ण नाम उच्चारित होते ही चित तत्व में कृष्ण रस अकस्मात उदय हो पड़ता है। नाम सदा विशुद्ध होते हैं, अर्थात वे जड़ीय अक्षरों की भांति जड़ाश्रय नहीं होते। नाम केवल चैतन्य रस मात्र हैं। नाम सदा मुक्त होते हैं, अतएव नित्य मुक्त हैं। वे कभी भी जड़ से पैदा नहीं होते। जिन्होंने नाम रस का पान किया है, वे ही केवल इस व्याख्या को समझने में समर्थ हो सकते हैं।
जो नाम में जड़ तत्व की कल्पना करते हैं, स्वयं चैतन्य रस आस्वादन करने में असमर्थ हैं। वे इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि ये कहो कि हम निरंतर जो नाम उच्चारण करते हैं, वे जड़ी अक्षरों को आश्रय करके हुआ करता है, ऐसी दशा में नाम को जड़ से उत्पन्न वस्तु कहा जाएगा, उसे नित्य मुक्त कैसे कहा जा सकता है? इस बहिर्मुख तर्क के उत्तर में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्मृत्यदा। प्राकृत वस्तु ही प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य होती है, कृष्ण नाम अप्राकृत है, अतएव वे कदापि प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तब जो नाम जिह्वा से प्रकाशित होता है, वह केवल आत्मा के अप्राकृत आनंद की तदुपयोगी इंद्रिय में स्फूर्ति मात्र है। भक्त जिस समय आत्मा की अप्राकृत रसना से श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, उस समय वह उच्चरित परम तत्व प्राकृत रसना पर आविर्भूत होकर नृत्य करने लगता है। आनंद से हास्य, स्नेह से क्रंदन, प्रीति से नृत्य जिस प्रकार अप्राकृत रस की इंद्रिय तक व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण नाम रस की रसना तक व्याप्ति होती है। प्राकृत रसना से कृष्ण नाम उत्पन्न नहीं होता। साधन काल में जिस नाम का अभ्यास किया जाता है, वह यथार्थ नाम नहीं है, उसे छाया नाम अथवा नामाभास कहा जा सकता है। नामाभास करते करते क्रमोन्नति द्वारा बहुधा अप्राकृत नाम में रुचि होती दिखाई गई है। वाल्मीकि और अजामिल के जीवन चरित्र इस विषय में ज्वलंत दृष्टांत हैं। जीव की नाम में रुचि न होने का कारण अपराध है। जो अपराध रहित होकर कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में चैतन्य रस विग्रह रूप अप्राकृत श्रीहरि नाम का उदय होता है। अप्राकृत नाम का उदय होने पर हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है तथा शरीर में सात्विक विकार पैदा होने लगते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, तदश्म सारम हृदयम वतेदम यद ग्रह्यमाणेर हरिनाम धेयः न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। जीव जिस समय हरिनाम ग्रहण करते हैं, उस समय उनका हृदय निश्चित रूप से द्रवित होगा, आंखों से निश्चय ही अश्रुधारा प्रवाहित होगी तथा शरीर में अवश्य ही रोमांच होगा। जो कृष्ण नाम उच्चारण तो करते हैं, परंतु उनमें ऐसे विकार लक्षित नहीं होते, उनका हृदय अपराध के कारण अतिशय कठोर हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। निरअपराध होकर हरि नाम लेना साधक का नितांत कर्तव्य है, अतएव अपराध न हो जाए इसके लिए अपराध कितने प्रकार के हैं इसका ज्ञान भी होना चाहिए। शास्त्र में हरिनाम के संबंध में 10 प्रकार के अपराधों का उल्लेख है। पहला साधु निंदा, दूसरा शिव आदि देवताओं को भगवान से पृथक स्वतंत्र ईश्वर मानना, तीसरा गुरु की अवज्ञा करना, चौथा वेद आदि सत शास्त्रों की निंदा करना, पांचवा हरिनाम के महात्म्य को केवल मात्र प्रशंसा समझना, छठा हरिनाम में अर्थ कल्पना अर्थात कृष्ण राम आदि नाम कल्पित हैं ऐसी धारणा रखना, सात नाम के बल पर पाप करना, आठ दूसरे दूसरे शुभ कर्मों के साथ हरिनाम को समान समझना, नौ अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना, दस नाम का महात्म्य श्रवण करके भी उसके प्रति अविश्वास रखना। साधु भक्तों के प्रति अश्रद्धा प्रकाश करने से तथा साधु चरित्र महाजनों की निंदा करने से हरिनाम के प्रति अपराध होता है। अतएव जो हरिनाम का आश्रय करेंगे, उनको सर्वप्रथम वैष्णव अवज्ञा की प्रवृत्ति को सर्वतोभावेन परित्याग करना चाहिए। वैष्णवों के कार्यों के प्रति संदेह होने पर साथ ही साथ निंदा न करके उसका तात्पर्य अनुसंधान करने की चेष्टा करनी चाहिए।
अतएव साधुओं के प्रति श्रद्धा करना ही कर्तव्य है। शिव आदि देवताओं को भगवान से पृथक समझना नाम अपराध कहा गया है। भगवत तत्व एक और अद्वितीय है। शिव आदि देवताओं की भगवान से पृथक स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। शिव आदि देवताओं को भगवान का गुणावतार अथवा भगवत भक्त मानकर सम्मान करने से भेद ज्ञान नहीं रहता। जो लोग महादेव को एक पृथक अर्थात स्वतंत्र देवता मानकर शिव और विष्णु की पूजा करते हैं, वे महादेव देव की भगवत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। इससे वे विष्णु और शिव दोनों के प्रति अपराधी हो पड़ते हैं। जो हरि नाम करते हैं उनको इस प्रकार के भेद ज्ञान का भली प्रकार त्याग करना चाहिए। गुरुदेव की अवज्ञा करना एक नाम अपराध है। जो नाम तत्व की सर्वोत्तमता की शिक्षा देते हैं उनको आचार्य रूपी भगवत प्रेष्ठ समझना चाहिए। उनके प्रति दृढ़ भक्ति करके हरि नाम में अचला श्रद्धा प्राप्त करनी चाहिए। सत शास्त्रों की कदापि निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदादि शास्त्रों में भगवत धर्म का वर्णन है। श्री नाम का बहुत ही महत्व बतलाया गया है। उन शास्त्रों की निंदा करने से हरि नाम अपराध होता है। वेद आदि शास्त्रों में सर्वत्र ही हरि नाम का महत्व बतलाया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। इस प्रकार के सत शास्त्रों की निंदा करने से हरि नाम में किस प्रकार प्रीति हो सकती है? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वेद आदि शास्त्रों में हरि नाम का जो महात्म्य वर्णन किया गया है वे केवल नाम की प्रशंसा मात्र है। जिनकी ऐसी धारणा है वे नाम अपराधी हैं। ऐसे लोग हरि नाम करके भी हरि नाम का वास्तविक फल प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग ये समझते हैं कि जिस प्रकार कर्मकांड में रुचि उत्पन्न करने के लिए कर्मकांड की बड़ा चढ़ा का प्रशंसा बतलाई गई है, उसी प्रकार शास्त्र में हरि नाम की भी बड़ा चढ़ा कर फलश्रुति दी गई है। ऐसे समझने वाले बड़े दुर्भाग्य हैं। इसके विपरीत भाग्यवान व्यक्तियों का विश्वास इस प्रकार होता है। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। संसार से निर्वेद प्राप्त सब प्रकार के भयों से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले योगी के लिए हरि नाम कीर्तन ही एकमात्र कर्तव्य है। ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति ही हरि नाम का वास्तविक फल प्राप्त करते हैं। नामाभास और नाम का भेद नहीं समझकर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नाम अक्षरमय है, अतएव श्रद्धा नहीं रहने पर भी नाम लेने से फल होगा ही। वे लोग अजामिल का दृष्टांत देते हैं, साकेन्त्यम पारिहास्यम वा आदि शास्त्र वचनों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह बात तो पहले ही बतलाई जा चुकी है कि हरि नाम चैतन्य रस विग्रह है तथा प्राकृत इंद्र ग्राह्य नहीं है। अतएव निरअपराध होकर नाम आश्रय नहीं करने से नाम का फलोद्वय संभव नहीं है। जो अश्रद्धा पूर्वक नाम उच्चारण करते हैं उनको नाम का फलोद्वय संभव नहीं होता। अश्रद्धालु व्यक्तियों के नाम उच्चारण का फल यह होता है कि कुछ दिनों में उनके नाम के प्रति श्रद्धा पैदा हो सकती है। इसलिए अश्रद्धा पूर्वक अर्थवाद करके नाम को जड़ात्मक अक्षर रूप में जो कर्म कांड का अंग समझते हैं अथवा ऐसा ही प्रचार करते हैं वे नितांत बहिर्मुख और नाम अपराधी हैं। वैष्णव जन इस अपराध का यत्नपूर्वक परित्याग करेंगे। कुछ लोग हरि नाम आश्रय करके ऐसा समझते हैं कि हमने अब समस्त प्रकार के पापों के लिए एक सस्ती औषधि प्राप्त कर ली है। इस विश्वास के साथ वे ठगी रहाजनी डकैती चोरी या बदमाशी आदि पाप कर्मों को करके फिर हरि नाम कर लेंगे जिससे उनके सारे पाप कट जाएंगे। ऐसा समझने वाले व्यक्ति नाम अपराधी हैं। जो लोग नामाश्रय करते हैं
वे एक बार चिद रस का आस्वादन कर फिर कभी भी जड़ी असत वस्तुओं में आसक्त नहीं होते। कुछ लोगों का ख्याल ऐसा होता है कि यज्ञ आदि कर्म, दान आदि धर्म तथा तीर्थ यात्रा की चेष्टाएं, ये सब प्रकार शुभ कर हैं। नाम भी वैसे ही कोई शुभ चीज है। ऐसे व्यक्ति नामापराधी हैं। नाम सदा चिद रस स्वरूप है। अन्यान सारे सत्कर्म ही जड़मय हैं, अतएव वे नाम के विजातीय हैं। जो लोग इन क्रियाओं या सत्कर्मों को नाम के समान समझते हैं, वे वास्तव में नाम रस का आस्वादन नहीं कर सके हैं। जिस प्रकार हीरा और कांच में भेद है, ठीक उसी प्रकार हरि नाम और दूसरे दूसरे शुभ कर्मों में वस्तुगत भेद है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम का उपदेश या मंत्र देने वाले व्यक्ति नामापराधी हैं। जिस प्रकार शूकर को मुक्ताफल देने से कुछ लाभ नहीं होता, उल्टे मुक्ताफल का ही अपमान या अवज्ञा करना होता है, उसी प्रकार जिन लोगों में हरि नाम के प्रति उपयुक्त श्रद्धा का अभाव है, उनको नाम उपदेश करना नितांत अन्याय है। ऐसे लोगों को हरि नाम के प्रति किस प्रकार से श्रद्धा हो, इसके लिए प्रयत्न करना उचित है। श्रद्धा होने के बाद नाम उपदेश करना उचित है। जो लोग अपने को गुरु अभिमान कर अपात्र को भी हरि नाम का उपदेश करते हैं, वे नाम अपराध के कारण अधःपतित हो जाते हैं। हरि नाम का महात्म्य श्रवण करके भी जो नाम के प्रति एकांतिक श्रद्धा न करके अन्य अन्य साधनों का, कर्म, ज्ञान या योग का आश्रय त्याग नहीं करते, वे भी नामापराधी हैं। इस प्रकार नामापराध वर्जन नहीं करने से हरि नाम उदित नहीं होते। कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसारी जीवों के नाना प्रकार के दुखों को देखकर दया आर्द्र चित्त होकर ऐसा उपदेश किया है। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरिः। तृण से भी अपने को तुच्छ मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर, स्वयं अभिमान शून्य और दूसरों को मान देने वाला बनकर जीव हरि नाम संकीर्तन में अधिकार प्राप्त करता है। व्यवहार शुद्धि के साथ हरि नाम ग्रहण करने की व्यवस्था ही इस वाणी का मुख्य तात्पर्य है। जो अपने को सबसे अधिक दीनहीन समझते हैं, वे कभी भी साधु की निंदा नहीं कर सकते, शिव आदि देवताओं की भेद बुद्धि द्वारा अवज्ञा नहीं करते, श्री गुरुदेव के प्रति कदापि अवज्ञा नहीं करते, सत्शास्त्रों की निंदा नहीं करते तथा हरि नाम के महात्म को सत्य मानते हैं। वे शुष्क ज्ञानजात तर्क द्वारा हरि शब्द में निर्गुण ब्रह्मवाद की कल्पना नहीं करते, नाम के बल पर पाप कर्म नहीं करते, दूसरे सत्कर्मों के साथ हरि नाम को समान नहीं मानते, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम नहीं देते तथा नाम के प्रति तनिक भी अविश्वास नहीं रखते। वे स्वभावतः 10 प्रकार के नाम अपराधों से दूर रहने की चेष्टा करते हैं। कोई उनका उपहास करने पर अथवा कोई उनका अहित करने पर भी वे उसका अपकार नहीं करते। वे जगत का समस्त कार्य करने पर भी स्वयं अपने में भोक्ता या कर्ता का अभिमान नहीं रखते। वे अपने को जगत का दास मानकर जगत की सेवा में ही लगे रहते हैं। ऐसे अधिकारी व्यक्ति के मुख से जब हरि नाम उच्चारित होता है, तब अंत स्थित चित जगत से बिजली की भांति चित ज्योति व्याप्त होकर जगत के जीवों के माया विकार रूप अंधकार को दूर कर देती है। अतएव महात्माओं, अपराध रहित होकर निरंतर हरि नाम का कीर्तन कीजिए। हरि नाम के बिना जीवों के लिए और कोई भी दूसरा सहारा नहीं है। इस दुस्तर भव समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए ज्ञान या कर्म आदि का सहारा लेना केवल तृण का सहारा लेकर महासागर को पार करने की इच्छा की भांति सर्वथा निरर्थक है। हरि नाम रूप महापोत अर्थात
बड़े जहाज का अवलंबन कर इस दुस्तर भवसागर को पार कीजिए।